हेलो गाइज, हाय, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्त, आप लोगों ने चैट जीपीटी का बोलबाला सुना होगा फॉर श्योर। पूरा का पूरा यूट्यूब जो है वो पटा पड़ा है चैट जीपीटी। लोग इतना अर्न कर रहे हैं, ऐसे अर्न करना है, वैसे अर्न करना है, एआई वीडियोस बना लो, ये बना लो, आपने डेफिनेटली सुना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने कुछ लोगों को ये बोलते जरूर सुना होगा कि ये सब बेकार है, यहां से कोई ना रैंक मिलता है, ना गूगल आपको कोई पोजीशन देगा, ना ट्रैफिक आएगा, कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार कॉन्टेंट है। तो मैं दोनों की बात को ना एक काम करता हूं बैलेंस करने के लिए, आपको वो मेजर चीज सिखाता हूं जो कि एक्चुअली में यहां पर वर्क करता है। आपको खाली वही फोकस करना है। अगर आप सच में चैट जीपीटी को इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हो क्योंकि ये आपको कंटेंट तो दे रहा है, साथ में साथ आपका जो काम है वो आसान कर रहा है, क्योंकि रिसर्च भी तो बहुत बड़ा वर्क होता है ना। चलो मैं लिख तो लूंगा, लेकिन कंटेंट को क्यूरेट करना ये भी तो बहुत बड़ा काम होता है। तो जब कंटेंट क्यूरेट करने का जो काम है वो चैट जीपीटी आसान कर देता है, क्योंकि अगर चैट जीपीटी को मैं बोलूं कि भैया 5 तरीके निकाल के दे कि जिससे मेरा वेट लूज हो जाए, या 5 ऐसे डेस्टिनेशन बता जो कि दिल्ली और एनसीआर के पास है और मैं 4 दिन में कवर कर सकूं ऐसा कोई डेस्टिनेशन, तो वो 5 के 5 बताता है। तो यानी कंटेंट क्यूरेशन का जो टाइम है वो बहुत आसान कर देता है चैट जीपीटी। लेकिन अगर वही बात करूं कि इस कंटेंट को सेम एज इट इज क्या आप अपने ब्लॉग में लिख सकते हो, क्या आप अपने वेबसाइट में लिख सकते हो विद द पर्पस ऑफ रैंकिंग, कि गूगल से रैंक लाना है, गूगल पे रैंकिंग करके ट्रैफिक लाना है, उस पर्पस से क्या एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो उस पे आज खुले तरीके से चर्चा करेंगे। आज मैं आपको वो हिडन टेक्निक बताऊंगा, द रियल वे ऑफ यूजिंग द कंटेंट फ्रॉम चैट जीपीटी, जो कि आप बेधड़क जो है अपने कंटेंट को अपने ब्लॉग में, अपनी वेबसाइट में गूगल पे रैंक कराने के लिए लिख सकते हो, बिल्कुल क्लियर तरीके से बताऊंगा। तो आज इस सेशन के अंदर प्रैक्टिकल तो होगा, लेकिन साथ में आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या चैट जीपीटी से बनाया हुआ कंटेंट का मुझे कोई फायदा होगा, क्या मैं उसको मोनेटाइज कर पाऊंगा। तो आज इस सेशन में बने रहो और लाइक अभी के अभी कर दो, क्योंकि मैं आज आपको वो प्रैक्टिकल सीक्रेट देने वाला हूं जो कि मैं पर्सनली कर रहा हूं और मेरे साइट रैंक हो रहे हैं नंबर 1 पे। चलो, चैट जीपीटी तो अभी आया है, लेकिन मैं एआई राइटर की बात कर रहा हूं कि एआई राइटिंग टूल जो है मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, ऑलमोस्ट तकरीबन साल होने को आ रहे हैं, लेकिन मैं उन कंटेंट को किस तरीके से इस्तेमाल करता हूं ताकि मेरा फर्स्ट में रैंक करता है, वो चलो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से यहां पर सिखा देता हूं। अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया और कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने, जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने एक कंटेंट बनाया था जो कि कोलेस्ट्रॉल के ऊपर था, कि अगर मुझे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है तो मुझे लूज वेट कैसे करना चाहिए, उस पे आपने कंटेंट देखा मैंने बनाया, आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था ना, जाके देखो, बंपर वीडियो है 2023 के अंदर। अगर आपको सच में एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करना है ना, तो उससे जबरदस्त वीडियो पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलने वाला, सारा घिसापिटा ही नॉलेज जो है वो इधर उधर घूम रहा है, लेकिन उस पे मैंने बहुत यूनिक तरीका बताया था आप एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे अर्न कर सकते हो, जो कि 100% प्रैक्टिकल है, तो देख लेना, लेकिन इस वीडियो के बाद। अब जैसे मान लेते हैं ये वाला जो कंटेंट है ये मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया था, जो कि तकरीबन था 2500 वर्ड का। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो यू कैन सी दैट हाउ ब्यूटीफुल दिस कंटेंट, मैंने बकायदा आउटलाइन बनवा के मैंने चैट जीपीटी से ये पूरा कंटेंट जो है लिखवाया है, व्हिच इज ऑफ 2400 वर्ड्स। लेकिन अब इसको मुझे अगर अपने ब्लॉग आर्टिकल में यूज करना है तो मैं कैसे करूंगा? देखो, आप ये चीज ध्यान रखना, हां, गूगल के पास बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें ना गूगल से ही मतलब इंस्पायर होकर अपनी चीजें बनाती है। हालांकि अगर मैं कहूं चैट जीपीटी ने अपने आप को, जो कि वो कर रही है, अपने आप को अगर वो एडवांस बनाती रही तो हो सकता है गूगल का बहुत बड़ा कंपैरेटर हो जाए, क्योंकि गूगल और चैट जीपीटी में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, गूगल सर्च इंजन है और ये आस्क इंजन है, दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। सर्च इंजन पे हम चीजों को खुद सर्च करते हैं, गूगल हमें रिजल्ट दिखा देता है, भैया ये सारी चीजें हैं आपके लिए, आप इनमें से ढूंढ लो तो सर्च कर लो, लेकिन ये आस्क इंजन है, इससे हम पूछ ही लेते हैं कि भैया मुझे 5 ऐसे डेस्टिनेशन बता दे जो मुझे घूमने जाना है इस लोकेशन के पास, तो मुझे बता दे, वो 5 बता देता है आपको, ये नहीं बोलता कि ये रिजल्ट दे दिया इनमें से ढूंढो, नहीं। तो यानी आस्क इंजन और सर्च इंजन में फर्क रहने वाला है, और आने वाले टाइम में जहां कि हमारे पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी होगी तो हम आस्क इंजन पे ज्यादा रिलायबल हो जाएंगे, ज्यादा डिपेंडेबल हो जाएंगे, तो इस वजह से ये बहुत बड़ा कंपेटिटर जो है चैट जीपीटी बन सकता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात कर लेते हैं, तो अब मैं इस कंटेंट को कैसे इस्तेमाल करूंगा अपने ब्लॉग आर्टिकल में, सो दैट मुझे ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा हो जाए और मैं गूगल पर रैंक कर जाऊं, तो उसका तरीका देख लो। देखो, गूगल कैसे पकड़ता है कि ये जो कंटेंट है ये चैट जीपीटी का लिखा हुआ है या फिर कोई एक एआई आर्टिकल का कंटेंट है, तो उसके लिए मैं आपको एक और टूल बता रहा हूं, वो बिल्कुल फ्री टूल है, आप वहां पर जाओ और पता लगा लो कि अगर ये कंटेंट एआई राइटर्स का है और ये पकड़ा गया तो आप इसको मत यूज करना, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा वो भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट्स टॉक अबाउट इट, मैं इसको कॉपी करता हूं क्योंकि ये चैट जीपीटी ने लिख के दिया मुझे। अब यहां पर कॉपी करना है ये जो साइट है कंटेंट एट स्केल, इसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, ये है एआई कंटेंट डिटेक्शन, यहां पर पता लग जाता है कि क्या ये कंटेंट एआई ने लिखा है। मैं जैसे इसको पेस्ट करूंगा ना, आप यहां पर देखोगे, मैं इसको चेक पे क्लिक करते ही ये मुझे बता देगा कि मेरा कंटेंट कितना है, गाइस 0% रियल है और 100% फेक है, जस्ट लुक एट इट, ऑब्वियसली एआई की 0% ह्यूमन कंटेंट स्कोर, मतलब इसको ह्यूमन ने लिखा ही नहीं है।
ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये तो बकायदा मैंने एज इट इज चैट जीपीटी से उठाया है। दूसरा पैराग्राफ भी उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला उठाते हैं और कॉपी करते हैं आपके सामने, यहाँ जाते हैं वापस इसको पेस्ट करते हैं, अब अगेन चेक करते हैं, अब देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। गाइस 3% जो है ह्यूमन ने लिखा है, लेकिन ये पूरा का पूरा बाकी का 97% फेक कॉन्टेंट है, विच इज ऑब्वियसली AI। तो जब ये छोटी सी साइट पकड़ रही है कि कॉन्टेंट AI ने लिखा है या ह्यूमन ने लिखा है, तो गूगल तो डेफिनेटली बाप है इन सबका, बाप भी नहीं ग्रैंड फादर है, तो वो तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो इस तरीके से गूगल क्या करेगा, आपके कंटेंट को कहेगा मैं रॉन्ग क्यों दूं यार, ये चीज तो AI में अवेलेबल है, कोई भी जाके AI में ढूंढ लेगा तो गूगल पे क्यों आएगा। अगर गूगल पे वो सारे कंटेंट AI वाले रैंक कराने शुरू कर दिए तो गूगल की अपनी वैल्यू खत्म हो गई ना, क्योंकि हर कोई तो फिर AI में जाके चैट जीपीटी से पूछ लेगा क्योंकि वो आस्क इंजन है। तो गूगल कह रहा है कि फिर मेरी जो रियलिटी है, जो ह्यूमन वॉइस है, उसका जो एसेंस है वो खत्म हो जाएगा, तो मुझे इसको बढ़ावा नहीं देना है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आप देखो इस टाइप के कंटेंट को तो डेफिनेटली रैंक नहीं करा सकते, हालांकि आपने मुझसे बहुत बार सुना है कि AI रैंक करता है करता है। मैं मानता हूं गाइस, मैंने खुद बोला है, मेरे खुद के कंटेंट रैंक करते हैं, मैं अभी प्रूफ भी दे दूंगा इसी वीडियो के अंदर, डोंट वरी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा क्या करता हूं कि मैं इसी कंटेंट को रैंक करा देता हूं। आपको पता है इसको रैंक कराने के लिए मैं इसका एक और टूल इस्तेमाल कर लेता हूं यहां के बाद, जिसके बाद मेरा कंटेंट जो है वो सेफ टू यूज हो जाता है काफी हद तक, और उसके बाद एक और मैं फिल्टर लगा के ना थोड़ा सा खुद का भी यूज कर लेता हूं कुछ लाइंस, या उसको खुद भी चेंज कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ अदर टूल। तो इस तरीके से बहुत सारे टूल में फिल्टर करने के बाद मेरा जो मेजर काम है कि कंटेंट को सोच के रिसर्च करके लिखने का, वो जो कि एक दो दिन लगा सकते थे मेरे, वो चंद घंटों में हो जाते हैं। बिल्कुल 100% डिपेंडेंसी, ये तो मैंने भी कभी नहीं कहा कि आप पूरे तरीके से AI पे डिपेंड हो जाओ, लेकिन दिमाग लगा लगा के आप आराम से इसको यूज कर सकते हो, अपना कई घंटों का काम कुछ मिनटों में निपटा सकते हो, ये जरूर मैंने कहा। तो चलो मैं आपको सेकंड वाला टूल बता दूं कि इसके बाद आपको कौन सा टूल यूज करना है। दो टूल हमने यूज कर लिए, एक चैट जीपीटी, उसके बाद हमने ये कंटेंट AI डिटेक्शन का टूल यूज कर लिया, यहां से पता लगा लिया कि यार ये तो पूरी तरीके से गूगल पकड़ लेगा। जो थर्ड टूल होगा दैट विल बी क्विलबॉट। यस यू हर्ड दैट राइट गाइस, क्विलबॉट जो टूल है ना, ये भी एक AI टूल है, लेकिन ये राइट नहीं करता, ये लिखता नहीं है, ये आपको लिखी चीज को पैराफ्रेज करके देता है बिल्कुल ह्यूमन वॉइस में। देखो एक होता है स्पिन रीराइटर, एक होता है स्पिनिंग टूल, वो तो बहुत ही बकवास होते हैं क्योंकि वो वर्ड के मीनिंग ही चेंज कर देते हैं, उनको लगता है सिनोनिम्स डाल दो तो लाइन का मीनिंग सेम होता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये इस चीज का खास ध्यान रखता है कि आपको, इनके पास भी खुद का AI है, कि कौन सा सेंटेंस में कौन से वर्ड को चेंज करूंगा तो ही ये उसी सेंटेंस के मीनिंग को निकाल के देगा। तो अब देखो कैसे करता हूं मैं, तो मान लेते हैं मैं यहां पर आऊंगा और मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया वो वाला कंटेंट, यहां से उठाया था फॉर एग्जांपल ये वाला पैराग्राफ, तो यहां पर आ गया ये वाला पैराग्राफ, यू कैन सी दैट ईट अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, ईट अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, और यहां से ये वाला ईट अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, तो यहां पर उठा लिया। अब मैंने इसको पैराफ्रेज करना है, हालांकि फ्री वर्जन में, ये मेरा जो अकाउंट है ये वाला मैंने अभी लॉगिन नहीं किया ना, हालांकि मेरे पास इसका प्रीमियम टूल है, प्रीमियम बहुत सस्ता है गाइस, बहुत सस्ता, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन मैं अभी करके दिखाता हूं फ्री वालों के लिए जो कि जिनके पास नहीं है। तो गाइस 125 वर्ड तक आप जो है फ्री में करा सकते हो, तो मान लेते हैं यहां तक आप फ्री में करा सकते हो, तो इसको फ्री में करा लेते हैं, लेट्स डू दिस। सो गाइस मैंने 107 वर्ड का यहां पर कर लिया, सो इसको पैराफ्रेज करते हैं। अब देख रहे हो ये मेरे लिए पैराफ्रेज कर रहा है, आप पढ़ के देखना, इसका भी AI बहुत स्ट्रांग है, आपका मीनिंग चेंज नहीं करेगा, आपका सेंस चेंज नहीं करेगा, और उसके बाद आपको एक बहुत बेहतरीन सा कंटेंट दे देगा। देखो 107 वर्ड का इसने 112 वर्ड कर दिया, क्योंकि जहां जहां जिस वर्ड की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ी है उस लाइन को सेंस में रखने के लिए उसने उसको ऐड कर दिया और आपको ये दे दिया। तो मान लेते हैं ईट अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, कंज्यूमर रेंज ऑफ होल ग्रेन्स वेजेस एंड फ्रूट्स, द हाई फाइबर एंड न्यूट्रिशियस कंटेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। आप देख सकते हो कंटेंट अच्छा दे रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद अब फिर से जाऊंगा, अब मैं देखूंगा ये कितना परसेंट रियल बताता है, पिछला वाला तो खाली 3% रियल था, अब दोबारा करके देखते हैं कितना परसेंट आया, हालांकि जरूरी नहीं कि 100% आ जाए। अब देखो गाइस 100% ह्यूमन कंटेंट स्कोर, लुक्स ग्रेट, ये पूरी तरीके से ह्यूमन है। अब जब पूरी तरीके से ह्यूमन है ना गाइस, गूगल कैसे पकड़ेगा कि AI कंटेंट का लिखा हुआ है। तो अब देखो ये पूरा जो काम था मेरा, चैट जीपीटी से कंटेंट निकलवाया, क्योंकि मेरा काम आसान हो गया, चैट जीपीटी इज़ एन आस्क इंजन, जहां पर वो हर चीज को क्यूरेट कर देता है आपके लिए, आपको अलग से इधर उधर जाके ढूंढना नहीं पड़ता। पहले जमाने में होता था कि अगर मुझे एक जगह जाना है तो मुझे 10 वीडियो देखनी होती थी कि 10 अलग अलग लोगों की, कि बताओ यार इस जगह पे कौन सी चीज बेटर लग रही है। यहां पर आस्क इंजन ने क्या कर दिया, वो सारी चीजें क्यूरेट करके खुद दे दिया, क्यूरेशन का काम खत्म। अब क्यूरेशन के बाद सेम वही कंटेंट मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि मैंने चेक कर लिया कि वो पूरी तरीके से फेक
बता रहा था, तो मैंने क्या किया, पैराफ्रेज कर लिया, और पैराफ्रेज करने के बाद मैंने पढ़ भी लिया कि क्या सेंस चेंज नहीं हो रहा। सेंस अगर चेंज नहीं हो रहा, हालांकि मैंने पढ़ के आपको दिखा दिया, आप वीडियो को पॉज करो, आप पढ़ो और खुद चेक करो कि सेंस चेंज हो रहा है। अगर सेंस चेंज हो रहा है तो आप यहां पर सिंपल जाओ और अपना सेंस को वापस ले आओ, अपना क्लिक करके कि कौन सा चेंज करना है, और इस तरीके से इस कंटेंट को आप आराम से अपना खुद का कंटेंट बना के पेस्ट कर दो अपने ब्लॉग में, अपने आर्टिकल में, कोरा में, कहां करना है। मैं डंके की चोट पर गारंटी दे रहा हूं, गूगल क्या, गूगल का बाप भी ट्रैक नहीं कर पाएगा कि ये AI से लिखा हुआ कंटेंट है। तो अब देख लेते हैं गाइस कितना प्राइस है इसका क्विलबॉट का। तो यानी क्विलबॉट ही एकमात्र ऐसा आपको टूल लगेगा जो कि आपको खरीदना पड़ेगा, बाकी ये दोनों फ्री है। क्विलबॉट कितना आपको दे रहा है, लेट्स टॉक अबाउट इट। यहां पर चलते हैं अपग्रेड पे गाइस, मात्र $10 अगर आप मंथली दे रहे हो, मतलब ₹800 में आप अनलिमिटेड कॉन्टेंट चैट जीपीटी का ह्यूमन वॉइस में बना सकते हो ₹800 में। कैन यू इमेजिन गाइस, सो दिस इज व्हाट माय पर्सनल सीक्रेट जो कि मैं कई सालों से करता हुआ आ रहा हूं। AI कॉन्टेंट राइटिंग को मैं अपने फॉर्म में लिख देता हूं, मतलब ह्यूमन वॉइस में कन्वर्ट करके उसको रैंक करा के मैं आराम से बैठ के ब्लॉगिंग से ढेर पैसा अर्न कर रहा हूं। तो ये ऐसा सीक्रेट जो है ना, मैं तभी दे पाता हूं जब आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, और आप लोग मुझसे प्यार करते हो ये मैंने देखा है। लाइक कर दिया होगा अपने कंटेंट को और सब्सक्राइब तो कर लिया होगा क्योंकि मेरे वीडियोस आप लोगों को पता लग गए हैं किस टाइप के होते हैं। और बाकी रही बात इसको खरीदने की, तो गाइस नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और अगर आप चाहते हो कि मुझे उसका थोड़ा सा फायदा हो जाए तो आप उस लिंक से अगर परचेज करोगे तो आपको तो इतने का ही पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कमीशन अर्न कर लूंगा, जिस कमीशन से हो सकता है कि मैं मोटिवेटेड भी रहूं और मेरा खर्चा भी चलता रहे। बाकी कोई मर्जी है, मैंने आपको खजाना दे दिया, आप ना खरीदो मेरे लिंक से तो भी आपका फायदा हो जाए, मैं ये तो यही चाहूंगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बेल आइकन को इसलिए क्लिक कर लो सब्सक्राइब बटन के साथ ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि मेरे वीडियोस इस तरीके के ही होते हैं। चलो मिलते हैं मेरे आने वाले वीडियोस में गाइस, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी यू एंड स्टे इन टच, बाय।